हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको ब्लाउज में अस्तर अटैच करना सिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं। जैसे दोस्तों जब हम ब्लाउज में अस्तर अटैच करते हैं तो दोस्तों छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं हमसे, जिसके कारण दोस्तों हमें ब्लाउज खोल कर भी दोबारा बनाना पड़ सकता है। तो दोस्तों क्या गलतियां होती हैं वो सारा कुछ आपको वीडियो में पता चलेगा। अगर दोस्त हमारी वीडियो अच्छे से वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा छोटी छोटी गलतियां क्या है दोस्तों जो हम करते हैं ब्लाउज में अस्तर अटैच करते टाइम। अगर दोस्त हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लॉक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। जैसे कि दोस्तों ये हमने ब्लाउज कटिंग कर रखा है, नॉर्मल जैसे हमारा ब्लाउज कटिंग होता है अस्तर वाला, उसी तरीके से दोस्तों हमने कटिंग कर रखा है ये ब्लाउज। ये हमारा दोस्तों खर्चा वगैरह है, इसे कर देते हैं साइड में, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर है, इसे दोस्तों इस तरीके से हम खर्चा वगैरह साइड में कर देते हैं। और ये दोस्तों हमारा है फ्रंट पल्ला, जैसे हमारा जो आगे का पल्ला होता है दोस्तों वो हमारा कटिंग करा हुआ है, ठीक है। ये हमारे निशान वगैरह लगे हुए हैं, इसे भी दोस्तों हम कर देते हैं साइड में, इस तरीके से हम साइड में कर देंगे। और दोस्तों ये हमारी बाजू है, ठीक है, बाजू हमारी कटिंग करी हुई है, कपड़ा है मैन और अस्तर है। और ये दोस्तों हमारा है बैक पल्ला, बैक पल्ला भी दोस्तों हमने कटिंग कर रखा है, जैसे हमारा इधर निशान लगे हुए हैं, ठीक है। नॉर्मल जैसे कटिंग करते हैं ब्लाउज उसी तरीके से ही कटिंग होगा। अगर दोस्तों आपको ब्लाउज की भी कटिंग सीखनी हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। अब क्या करना है, जैसे हमारा यहाँ निशान लगा हुआ है, इस जगह पे दोस्तों आपको डार्क निशान लगा लेना है, जिससे कि दिखे हमें, ठीक है। और नीचे की तरफ दोस्तों आपको जो निशान लगा उस पर कुटका लगा देंगे, और यहाँ पर दोस्तों निशान पर आपको उंगली रखनी है और दूसरी तरफ आपको दोस्तों निशान लगा लेना है, ठीक है। इसे भी दोस्तों आप डार्क कर दें जिससे कि हमें अच्छे से दिखे। ये हमारा निशान लग गया। अब क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे मैन, तो दोस्तों हमारा ये कपड़ा है, कपड़े में दोस्तों हमारा है अंदर की तरफ सीधा, ठीक है, अंदर की तरफ हमारा सीधा है और बाहर की तरफ हमारा उल्टा है। अक्सर यही गलती कर देते हैं कि हम सीधे तरफ अस्तर अटैच कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सेंटर का एक निशान लगाना है फिनिशिंग से, ठीक है, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अब उल्टी तरफ कपड़ा हमारा उल्टा है, उल्टी तरफ दोस्तों आपको अस्तर इस तरीके से अटैच करना है, यानी कि निशान जो है वो हमारे ऊपर की तरफ रहने चाहिए और अंदर हमारा सीधा रहना चाहिए, और उल्टी तरफ कपड़े की उल्टी तरफ हमें अस्तर इस तरीके से रखना है। अब बी सेंटर पर दोस्तों आपको लगानी है कच्ची सिलाई, ठीक है, जिससे कि हमारा जो अस्तर है वो फिनिशिंग से अटैच हो जाएगा, कपड़े में इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटर में कच्ची सिलाई लगा देंगे। अक्सर ये लोग करते हैं गलती कि हम सेंटर में कच्ची सिलाई नहीं लगाते, नॉर्मली कच्चा कर देते हैं, तो उससे भी हमारी काफ़ी झोल वगैरह आती है। तो क्या हो गया, हमारा ये डिवाइड हो गया, आधा हिस्सा इधर हो गया, आधा हिस्सा इधर हो गया। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, नॉर्मली नीचे से कपड़ा अस्तर मिलाएंगे कपड़े के बराबर और हम कच्चा कर देंगे। इसलिए दोस्तों कच्चा कर रहे हैं हम नीचे की तरफ से बराबर, इसलिए दोस्तों हमें पलटा भी जाता है, जैसे हमारा बॉर्डर होता है कई बार बैक पल्ले में, तो हम इसे पलटते भी हैं, लेकिन हमारा तुरपाई वाला फोल्ड है इसलिए हम इसे नीचे से पलटेंगे नहीं। अब नॉर्मली इस तरीके से आपको हाथ से देखना है, जैसे हमारी बीस की सेंटर की सिलाई लग गई, अब नॉर्मली हाथ से इस तरीके से आपको चेक करना है कि हमारी कहीं झोल वगैरह तो नहीं आ रही है, ठीक है। हमारा आधा हिस्सा है इधर, तो आधे हिस्से को ही पहले चेक करेंगे कि हमारी झोल वगैरह नहीं आ रही है, सीधी सिलाई लगा दी हमने फिनिशिंग से, और हाथ से ना आपको चेक करते हुए जाना है कि हमारी कहीं झोल वगैरह तो नहीं आ रही है। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ आपको एहसास करना है हाथ से कि हमारी कहीं कपड़े में झोल तो नहीं आ रही, उसी तरीके से दोस्तों आपको अच्छे से ही सेट करते हुए अस्तर को कपड़े पे और आपको कच्चा कर देना है। अब फिनिशिंग से गले पे भी दोस्तों आपको फिनिशिंग से ही कच्चा कर देना है। जब आप दोस्तों रखते हैं ना कपड़े के ऊपर, तो अच्छे से दमा के रख देते हैं जिससे कि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना भागे। और दोस्तों कपड़े को अस्तर से आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, एक जैसा पूरा परफेक्ट, और आपको कच्चा कर देना है फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से आर्मोल की तरफ से आपको फिनिशिंग से कच्चा कर देना है। हाथ से दोस्तों आपको एहसास करते रहना है कहीं हमारा कपड़े में झोल तो नहीं आ रही है, इस तरीके से आधा इंच का पूरा प्रॉपर कपड़ा दिखाते हुए आपको अस्तर कटे अटैच कर देना है, ठीक है। हमारा अस्तर अटैच हो गया पूरा फिनिशिंग से चारों तरफ से। अब क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे फिनिशिंग से आपको कटिंग कर देना है इस अस्तर के बराबर से ही। अगर दोस्तों आपको ब्लाउज की कटिंग सीखनी है हमारी, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको फिनिशिंग से कपड़ा कटिंग कर देना है अस्तर के बराबर से। ये दोस्तों हमारा कपड़ा कटिंग हो गया और इसमें हमारी कहीं झोल वगैरह नहीं आ रही, एकदम फिनिशिंग से हमारा अस्तर अटैच हो गया। अब आपको फ्रंट पल्ला अटैच करना सिखाएंगे। जैसे हमारा ये अस्तर है, ठीक है, ये हमारा मेन कपड़ा है, ये अंदर हमारा सीधा है, ठीक है, बाहर की तरफ हमारा उल्टा है, और ये दोस्तों हमारा अस्तर है। अस्तर पे दोस्तों हमारे निशान वगैरह लगे हुए हैं फिनिशिंग से। अब क्या करेंगे, कैंची लेंगे, कैंची की मदद से दोस्तों जो हमारे चारों निशान लगे हुए हैं उस पर हल्का हल्का इस तरीके से निशान लगा देंगे। ज़्यादा तेज भी ना करें जिससे कि आपके कपड़े में छेद हो जाए, तो इसलिए हल्का हल्का आपको निशान लगाना है। और दोस्तों जो हमारे निशान लगे हुए हैं ना चारों, उसी जगह पे दोस्तों आपको कुटका लगा लेना है इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि हमारे दोनों पल्लों पे निशान उठ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये निशान लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ से कुटका नहीं लगाना, हल्का सा जहाँ हमारे गुलाई आ रही है ना आर्मूल की, जहाँ गुलाई आ रही है मैन, उस जगह पर इस तरीके से निशान लगा के और आपको कुटका लगाना है।
ठीक है, इस तरीके से हम कुटका लगा देंगे। अब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। इसे उल्टा करने के बाद दोस्तों हमने जो कैंची की मदद से निशान उठाया था वो हल्के हल्के हमें दिख रहे होंगे, तो इस तरीके से दोस्तों आपको डार्क निशान लगा लेने हैं। ठीक है, चौक की मदद से हम डार्क लगा देंगे निशान। अभी हमें यहाँ निशान लग गए। अब दो पल्ले हमें, एक पल्ला इस तरीके से आपको साइड में कर देना है, और कपड़ा लेंगे मैन। ठीक है, तो हमारा अंदर है सीधा और बाहर की तरफ है हमारा उल्टा। जैसे हमारा अंदर सीधा था तो हमने एक पल्ला हटा दिया। अब ऊपर की तरफ दोस्तों हमारा उल्टा है, तो उल्टी तरफ दोस्तों आपको अस्तर रखना है और निशान जो है वो हमारी बाहर की तरफ दिखने चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से दोस्तों आपको अच्छे से सेट करते हुए आधे आधे इंच का मार्जिन चारों तरफ से निकालना है, और एक पैर का मार्जिन लेते हैं नॉर्मली आपको अस्तर अटैच कर देना। ठीक है, आप सिलाई कहीं से भी शुरू कर सकते हैं अस्तर अटैच करते टाइम। नॉर्मली इस तरीके से आपको चारों तरफ से देखना है कि हमारा कपड़ा एक जैसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको कच्ची सिलाई लगानी है। 3 नंबर की या 2 नंबर की, 5 नंबर की आप सिलाई लगा सकते हैं कच्चा अटैच करते टाइम। ठीक है, अगर आप 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे तो क्या काफ़ी ज़्यादा टांके बड़े होंगे तो हमारी झोल सी लगेगी, जैसे हमारे कपड़े में झोल पड़ रही हो ऐसी लगेगी, तो आप 3 नंबर की सिलाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जब हम आर्मोल या गले पे दोस्तों कच्चा करते हैं अस्तर, तो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से हाथ रखकर ही आपको अस्तर अटैच करना है। काफ़ी प्रैक्टिस करते करते दोस्तों आपको आ जाएगा आइडिया कि किस तरीके से हम अस्तर अटैच करते हैं। अगर एक दो बार आप अस्तर अटैच करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप अस्तर के बराबर से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फिनिशिंग से आपको कटिंग कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कटिंग हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा एक पल्ला कटिंग हो गया। हमने तीनों तरफ से कपड़ा कटिंग कर दिया लेकिन हमने नीचे की तरफ से कटिंग नहीं करा। ठीक है, आपको भी नीचे की तरफ से कपड़ा कटिंग नहीं करना है, कोई झोल वगैरह नहीं आ रही है, फिनिशिंग से हमारा कच्चा हो गया फ्रंट पल्ला एक। अब क्या करना है, यहाँ पर आप अक्सर गलती करते हैं, जैसे हमारा इधर सीधा है, ठीक है, नीचे की तरफ हमारा सीधा है, ऊपर की तरफ हमारा उल्टा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे हमारा गला है, ठीक है, फ्रंट निशान हमारे ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, तो दोनों पल्ले एक जैसे ही रखने चाहिए, यानी कि गले की तरफ ही हमारे पल्ले आने चाहिए फिनिशिंग से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वरना जैसे कई बार होता है हमारा उल्टा हो जाता है कच्चा, तो हम खोल के दोबारा कच्चा करना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बार बार नापना है, देखना है कि हमारा उल्टा तो कच्चा नहीं हो रहा है अस्तर। इस तरीके से फिनिशिंग से आपको सेट करना है अस्तर, कपड़े के ऊपर अस्तर, और आपको कच्चा कर देना है। ठीक है, फिनिशिंग से इस तरीके से आपको कच्चा कर देना है। अस्तर क्या है दोस्तों, हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं ना अस्तर अटैच करने की कपड़े पर, तो नॉर्मली हमें आ जाता है, काफ़ी आसान लगने लगता है अस्तर अटैच करना। अगर हमें नहीं आता तो काफ़ी कठिन लगता है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वैसे ही आपको अस्तर अटैच करना आ जाएगा नॉर्मली। ठीक है, इस तरीके से आपको फिनिशिंग से ही अस्तर अटैच करना है, काफ़ी हल्के हल्के कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक दो बार काफ़ी कठिन होता है हमें अस्तर अटैच करना, तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो नॉर्मली आपको अस्तर अटैच करना आ जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है दोस्तों जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो ना करें, तो आपका नॉर्मली अच्छे से अस्तर अटैच हो जाएगा। अब इसका भी कपड़ा दोस्तों हमने साइड से कटिंग कर दिया है फिनिशिंग से। ठीक है, अब ये दोस्तों हमारा फ्रंट पल्ला कच्चा हो गया है, निशान हमारे ऊपर की तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है, आप कटिंग करने के बाद भी देख सकते हैं कि हमारा एक जैसा अस्तर अटैच हुआ है या नहीं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पल्ला अटैच हो गया है अस्तर का, ये हमारा बैक पल्ला हो गया है। अब आपको बाजू में अस्तर अटैच करना सिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले कर देंगे साइड में। ये दोस्तों हमारी बाजू है, और बाजू की तरफ दोस्तों हमने आधा इंच का मार्जिन दे रखा है, इसमें हमारा तुरपाई का मार्जिन नहीं है। क्यों दोस्तों, ये हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर दोस्तों हमारा बाजू पे लगेगा, तो इसलिए दोस्तों हम इसमें तुरपाई नहीं करेंगे, इसलिए दोस्तों हमने आधा इंच का इसमें मार्जिन दे रखा है। अब इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ये गहराई भी हमारी ये फिनिशिंग से कटी हुई है इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे, उल्टे सीधे का आपको निशान लगा लेना है। इस तरीके से दोस्तों हम निशान लगा देंगे उल्टे सीधे का। अब अंदर दोस्तों हमारा ये कपड़ा जो है, मेन कपड़ा है, दो पीस है हमारे दोस्तों, अंदर की तरफ है हमारा सीधा। ठीक है, आपको उल्टा सीधा देखना ही है कपड़े में, जब आप अस्तर अटैच करें तो आपको उल्टा सीधा देखना है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, बाजू रखेंगे, अस्तर जो रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे सीधे कपड़े की तरफ। ठीक है, अस्तर को रखेंगे सीधे कपड़े की तरफ, जिससे कि जो पलटेगी तो दोस्तों हमारा सीधी उल्टी तरफ हो जाएगा अस्तर। इस तरीके से आपको सीधे तरफ देखना है कि हमारी बाजू किस तरफ है, सीधी उसी तरफ दोस्तों आपको देखना है अस्तर। ठीक है, अस्तर रखना है उसी तरफ, सीधी तरफ। अब क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लगते हुए, जैसे हमारी इधर गहराई नहीं कटी हुई, इधर हमारी गहराई कटी हुई है, तो दोस्तों हमारा आमने सामने इसी जगह से ही होना चाहिए, जैसे बिना गहराई का आमने सामने आ रहा है और गहराई का दूसरी तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से देखते हुए आपको आधा इंच का मार्जिन लेना है और आपको एक सीधी सिलाई लगा देनी है। अगर आपकी बाजू तुरपाई वाली है, जिसमें हमने तुरपाई का मार्जिन छोड़ रखा है, तो आपको अस्तर रखना है उल्टी तरफ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पलटेंगे तो हमारा उल्टी तरफ आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी तुरपाई वाली बाजू है तो आपको अस्तर उल्टी तरफ ही रखना है। ठीक है, अभी हमने इसमें जो रख रखा है वो सीधी तरफ रख रखा है अस्तर, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी आधे इंच का मार्जिन लग गया सिलाई।
अब क्या करेंगे, अक्सर दोस्तों यहाँ पर भी गलती हो जाती है हमसे छोटी सी, तो क्या करती है, जैसे उल्टी फुल्टी हमारी बाजू जुड़ जाती है। जैसे अभी तो गहराई हमारी दोनों आमने सामने आ रही है, ठीक है, आमने सामने हमारी गहराई है, और जो नहीं गहराई कटी वो भी हमारी आमने सामने, तो हमारी ये सही अटैच हो रहा है स्तर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारी एक तरफ बिना गहराई का आता है, जैसे हमारी इधर गहराई आ रही है और उधर गहराई आ रही है, तो दोस्तों हमारी क्या होती है उल्टी बाजू होती है अटैच, तो हम जब बाजू सिल लेते हैं उसके बाद हमें पता चलता है, तो बाद में हमें खोल कर भी कच्चा करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, इसलिए आपको चेक करते हुए जाना है बार बार, जिससे कि हमारा गलती ना हो। अब ये दोस्तों मार्जिन जो रहेगा हमारा वो रहेगा बाजू अस्तर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से नाखून लगाने के बाद इस पे लगा देंगे हम सिलाई, ठीक है। इस तरीके से आप दूसरी बाजू लेंगे, दूसरी बाजू का भी दोस्तों मार्जिन रखना है आपको अस्तर की तरफ, इस तरीके से करते हो आपको इसके ऊपर नाखून लगाना है, और इसके ऊपर दोस्तों आपको एक पैर की सिलाई लगा देनी है। सिलाई से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा मार्जिन है वो अटैच हो जाएगा अस्तर में फिनिशिंग से, ठीक है। इस तरीके से सिलाई लगाने का दोस्तों आपको क्या करना है, धागे वगैरह आपको फिनिशिंग से कटिंग कर देना है। अब दोस्तों जो हमारा अस्तर हो जाएगा वो उल्टी कपड़े की तरफ हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर दोस्तों पलटते हुए आपको सिलाई लगा देनी फिनिशिंग से एक पैर की, इस तरीके से दोस्तों आपको सिलाई लगा देनी है। अगर दोस्तों आपका बॉर्डर वाला ब्लाउज है, यानी कि बाजू में हमारा बॉर्डर लगेगा, तो इस तरीके से आप दोस्तों बाजू पलट सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी तुरपाई वाली बाजू है, तो दोस्तों आपको कपड़ा अस्तर जो रखेंगे वो रखेंगे उल्टी तरफ, कपड़े के उल्टी तरफ ही अस्तर रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी, अब क्या करेंगे इसके उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद दोस्तों जो हमारा अस्तर है ना वो चारों तरफ से आपको अटैच कर देना है फिनिशिंग से, ठीक है। आपको दोस्तों हाथ से अच्छे से फिनिशिंग से इस तरीके से देखते हुए जाना कि हमारी बाजू में झोल तो वगैरह नहीं आ रही है, एक जैसा आपको कपड़े दिखाते हुए मार्जिन निकालते हुए कपड़े का, और आपको कपड़ा अटैच कर देना है, यानी कि कपड़े में अस्तर अटैच कर देना है फिनिशिंग से, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी बाजू लेनी है, और दूसरी बाजू का भी दोस्तों आपको अस्तर अटैच कर देना है कपड़े में, ठीक है। हाथ से आपको आइडिया लगाना है कि हमारा कहीं झोल वगैरह तो नहीं आ रही है, फिनिशिंग से इस तरीके से हमारी बाजू में अस्तर अटैच हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने के दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों अगर हमारी सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और जो हमारा कपड़ा है वो एक्स्ट्रा वो अस्तर के बराबर से आपको फिनिशिंग से कटिंग कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुटका लगा देना है सेंटर पे, यहाँ पर दोस्तों आपको कुटका लगा देना है, जहाँ जहाँ आपके अस्तर में कुटका लगे हों उस जगह पे दोस्तों आपको दोबारा से कुटका लगा देना है, ठीक है। फिनिशिंग से ये दोस्तों हमारी अटैच हो जाएगा अस्तर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कपड़ा कटिंग कर देना है दूसरी बाजू का भी, इस तरीके से दोस्तों आपको बराबर से ही कपड़ा कटिंग कर देना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट लगता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरी बाजू में भी आपको कुट के लगा लेने जो हमने लगाए थे अस्तर में, इस तरीके से दोस्तों हमारी ये अस्तर अटैच हो जाएगा बाजू का फिनिशिंग से, ठीक है। ये दोस्तों हमारी एक जैसी बाजू बनी है, ठीक है, एकदम फिनिशिंग से हमारी जो गहराई आई वो आमने सामने आई है, ये हमारी बाजू है। ये दोस्तों हमारा जो बॉर्डर है वो दोस्तों हमारे बाजू में अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम खोल देंगे बॉर्डर को, हाथ से भी खोल सकते हैं आप दोस्तों, खींच के भी हमारा बॉर्डर खराब ना हो इसलिए दोस्तों आप हाथ से बॉर्डर खोल लें, ठीक है। इस तरीके से आपको फिनिशिंग से बाजू के ऊपर बॉर्डर अटैच कर देना है। ये दोस्तों हमने बाजू में अस्तर अटैच करना सिखा दिया, और ये फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले में अस्तर अटैच करना आपको सिखा दिया। ये दोस्तों हमारा खर्चा वगैरह है जो गला वगैरह बनाने में काम आएगा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लाइक कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।